गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी हाँ, शिक्षक दिवस के मौके पर हम आज मौजूद हैं ऐसे स्कूल में जहाँ पर एक शिक्षक ने स्कूल की तस्वीर बदल दी। वर्तमान में पूरे राज्य में आत्मानंद स्कूल का बोलबाला है। अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों में हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन दुर्ग जिले के गांव हनोदा का यह मिडिल स्कूल अपने आप में एक अलग पहचान लिए हुए है। हनोदा स्कूल में सबसे खास बात यह है कि यहां पर इस बार जो है शिक्षिका प्रज्ञा सिंह को राज्यपाल पुरस्कार मिलने जा रहा है, और यह पुरस्कार उन्हें अपने नवाचार के कारण मिल रहा है। जी हाँ, नवाचार भी ऐसा कि जो बिल्कुल अलग हटके हो। गणित शब्द सुनते ही बच्चों के मन में एक अलग सा डर आ जाता है, लेकिन प्रज्ञा मैम ने जो यहाँ पर गणित को लेकर नवाचार किया वो अपने आप में खास है। आसान तरीके से बच्चों को गणित से जोड़ने का जो प्रयास प्रज्ञा मैम ने किया है उसे हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पिछले 14 साल से वो यहाँ पर अपने हाथों से जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार कर रही हैं। ना कोई सरकारी सहायता और ना ही कोई किसी की मदद, खुद अपने खर्च से उन्होंने यहाँ पर करीब 3 लाख रुपये से ज़्यादा लगाकर जो है यहाँ पर एक मैथ्स लैब तैयार किया है। आइए हम देखते हैं इस लैब में क्या खास है। हालांकि यहाँ पर स्कूल में मरम्मत का काम चल रहा है, उनका लैब एक छोटी सी लाइब्रेरी में फिलहाल सिमट कर रहा है, लेकिन जो है आप देख सकते हैं कि जो लैब में जो कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको अपना बचपन याद दिलाएगी कि आपको उस वक्त गणित कितना कठिन लगता था। काश ऐसी शिक्षक हमें भी मिली होती तो हमारे लिए भी गणित आसान हो गया होता। हम मौजूद हैं हनोदा के स्कूल के मैथ्स लैब में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई तरह के जो है मॉडल बने हुए हैं मैथ्स पर, जो भी हैंडमेड है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो मार्केट से खरीद कर लाकर यहाँ पर रखा गया हो। ये शिक्षिका प्रज्ञा सिंह ने अपने हाथों से बच्चों के साथ मिलकर इसे तैयार किया है। आइए हम कुछ बच्चों से बात करेंगे कि उनके लिए जो है गणित की शिक्षा कितनी आसान हुई। क्या नाम है बेटा आपका? चित्रांशी। आप कौन सी क्लास में हो? 8 में हो। तो आपको गणित आसान लगता है या कठिन लगता है? पहले कठिन लगता था, अब आसान लगता है। क्यों आसान लगता है? क्योंकि हमारी सर मैम ने हम लोगों के लिए ना TLM बनाया, उसके माध्यम से हमने पढ़ाई की तो हमें आसान लगने लगा। तो TLM में आप लोगों को सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, कि कौन सी चीज़ आपको बहुत नहीं आती थी और इस TLM के बाद में बहुत एकदम इजी वे में गणित बना लेते हैं? घातांक और ऐसे कई ऐसी चीज़ें हैं, पाइथागोरस प्रमेय हैं, और उसके अलावा कई ऐसे जो बीजगणित के सूत्र हैं जो बच्चों को सिर्फ देखने में ही समझ में नहीं आते थे कि उसका मतलब क्या होता है, लेकिन बहुत खेल खेल में बच्चे यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें करके दिखा देते हैं कि जो उन्हें मनोरंजन के साथ में एक अच्छी जो है नॉलेज भी यहाँ पर दे रहा है। आइए हम बात करते हैं इस मैथ्स लैब को जिसने तैयार किया है शिक्षिका प्रज्ञा सिंह। मैंने अभी बताया कि प्रज्ञा सिंह जी को इस बार राज्यपाल पुरस्कार मिलने जा रहा है। नाम की घोषणा तो पिछले वर्ष हो चुकी थी, लेकिन इस बार राज्यपाल महोदय 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन उन्हें सम्मानित करेंगे। प्रज्ञा मैम, आप बताएंगी कि जो मैथ्स लैब का आइडिया आपको कैसे आया था? मैथ्स लैब का आइडिया मुझे एक बच्चे से ही आया था। बच्चे जो है गणित से बहुत ज़्यादा डरते हैं और उनके मन में एक अनजाना सा भय रहता है, तो मेरे दिमाग में ये आता था कि सारे बच्चों को मैं गणित कैसे सिखा पाऊँ। तो मेरी कक्षा में जो 3 बच्चियाँ थी जो थोड़ी सी मानसिक दिव्यांग थी, तो एक दिन मैं उस कक्षा में एक अवधारणा स्पष्ट कर रही थी कि त्रिभुज के 3 अंतर कोणों का योग 180 अंश या अर्धवृत्त के बराबर होता है। तो उनमें से एक बच्ची मेरे पास आई और उसने कहा कि देख मैडम, मोरो चंदा बन गए। आप सोचिए कि उस बच्ची ने अर्धवृत्त को चंदा से कंपेयर किया, तो उससे मेरा दिमाग एकदम क्लिक कर गया कि अगर ये बच्ची ऐसी बच्ची सीख सकती है तो सारे बच्चे TLM से बहुत अच्छे से सीखेंगे। और वही मेरा पहला TLM था
और उसके बाद फिर मैंने बच्चों के साथ मिलकर हमने रोज़ TLM बनाया। तो जब हमारे 100 से ज़्यादा TLM बन गए थे तो हमें कक्ष की समस्या आई थी। एक हमारा विद्यालय का ख़राब कक्ष था जिसमें पूरा कबाड़ भरा हुआ था, उसको हमने साफ करके उसको मैथ्स लैब कर लिया। कितने मॉडल आपको बता चुकी हैं अभी तक के? करीबन 600 TLM। तो इसमें कई बार सरकारी स्कूलों में वैसे ही फंड नहीं होता, तो इतनी सारी चीज़ों बनाने के लिए आपने फ़ंड कैसे जुटाया है इसमें? ये तो अभी तक के मैंने स्वयं के ही जैसे बनाया है, जितने भी खर्च लगाया वो मैंने अपने स्वयं के खर्च। आप सरकारी स्कूल में इन दिनों अंग्रेजी माध्यम का बड़ा क्रेज है, आप में स्कूल में बच्चे जाना चाहते हैं, लेकिन आपके स्कूल में प्राइवेट स्कूल के बच्चे आते हैं और आपके स्कूल की जो स्टैंडर्ड है एक प्राइवेट स्कूल की तरह है, तो आपका जुड़ाव सरकारी स्कूल से कैसे है? मैं खुद सरकारी स्कूल की छात्रा रही हूँ और मुझे लगता है कि जहाँ संसाधन की कमी हो वहाँ पर यदि हम कार्य करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जहाँ पर वैसे ही पैसे हैं वहाँ पर हम अपना योगदान देकर क्या करेंगे, तो जहाँ पर कमी है वहाँ पर हमको करना चाहिए और समाज के लिए भी हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। और एक शिक्षक होने के नाते ये मेरी ड्यूटी भी है और मेरा इंटरेस्ट भी है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान लगातार चल रहा है, हमारे वर्षों से चल रहा है, लेकिन आपके स्कूल में बेटियों के लिए क्या आपने ऐसा किया कि जो आपको गर्व महसूस कराता है? बिल्कुल, मैंने एक बेटी को हर वर्ष खर्च, मैं उसकी पढ़ाई का खर्च वहन कर रही हूँ। इस वर्ष मैंने उस बालिका का BEd की पूरी फीस मैंने भरी है। वो 8वीं क्लास में थी जब से मैंने उसके फीस भरना शुरू की थी, 9वीं से लेके आज वो BEd कर रही है, तो उसकी अभी मैंने पूरी फीस अभी भरी है। उसके अलावा जो भी बच्चे मैथ्स में अच्छा करते हैं 100% मार्क्स लाते हैं उनको मैं अपने तरफ से देती हूँ। NMMSE में हमारे यहाँ के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो जो भी बच्चा सेलेक्ट होता है उसको भी मेरी तरफ से जो बच्चा चाहेगा उसको मैं देती हूँ। जी हाँ, ऐसे शिक्षक हो तो हर पढ़ाई करने का मज़ा आता है, गणित भी क्या सारे विषय आसान लगने लग जाते हैं। और यह बात मैंने बहुत अच्छी कही कि अभाव जहाँ होता है वहाँ पर ज़रूरत है काम करने की, और सरकारी स्कूल एक बहुत अच्छा माध्यम है कि जहाँ पर एक शिक्षक बेहतर कार्य करके अपने इनोवेशन को भी दिखा सकता है, साथ साथ बच्चों का भविष्य भी गढ़ सकता है। कंचनपथ न्यूज़ के लिए हर्ष सोनी के साथ मैं कोमल खनेसर।